अक्ल नहीं काम करती आपकी। मुझ पर ये बताओ, आपके दिमाग नहीं काम करते? आप क्या स्कूल के बच्चे हैं? तो आप क्या पागल हो, मिट्टी के माधु हो? आपको समझ नहीं आती आपके क्या अकलों पे मिट्टी पड़ गई है? आप आंखों से अंधे हो चुके हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि यार सिंपल विकेट है? सोचे कि पाकिस्तान बैटिंग क्या कर सकती है? क्या इतना फजूल बैटिंग करके पाकिस्तान क्या टूर्नामेंट जीत सकती है? ये सवाल मुझसे नहीं पूछना उन्होंने, ये अपने आप से पूछना है पाकिस्तान में। आपकी मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, आपके पास स्पिनर पूरे नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर आपका तगड़ा नहीं है। पाकिस्तान पे इस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान लॉस्ट द गेम और ह्यूमिलेटिंग लॉस कहा जा सकता है। ओवरिंग साइन यार, मुझे समझ नहीं आती है ये लोग क्या कर रहे हैं यार। आपका दिमाग ठीक? शुएब अख्तर शदीद भरम हो गए पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, पाकिस्तान की कैप्टनसी के ऊपर। शुएब अख्तर का कहना है कि मैंने पहले भी समझाया था चीफ सेलेक्टर्स को कि बाबर आजम को टीम का खिलाड़ी बना दें, बाबर आजम से कैप्टनसी ले लें। उसकी बड़ी वजह क्या है कि अगर एक प्लेयर अपनी प्लेयर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो कैप्टनसी को उस पर बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन एज अ कैप्टन वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज के मैच में जिस तरह देखा है उस वक्त आज के मैच में टीम को जरूरत थी बाबर आजम कैप्टनसी वाली बारी की, लेकिन बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हो गए। अपने तो 50 रन बनवा लिए लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि पिछले गुज़िश्ता कितने भी मैचेस हुए हैं उन तमाम के अंदर बाबर आजम सिर्फ अपने कैप्टनसी बचाने के लगे हुए हैं बल्कि टीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। शुएब अख्तर का कहना है कि मैंने अभी भी कहता हूँ कि बाबर आजम को टीम में रखिए क्योंकि बाबर आजम टीम की रीढ़ की हड्डी है, टीम उसको भी ना निकालें, लेकिन कैप्टनसी का बोझ उतारने के अंदर तो उन्हें कहें कि तुम अपनी नॉर्मल गेम करें, हम आपको टीम को नहीं निकालेंगे बाहर। आप जो अपनी रेगुलर गेम करें, अपनी फॉर्म दें, अपने 100% दें और टीम को फजा से हम करार करवाएं। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी मर्जी से खेले जा रहे, आउट हो जा रहे, विकेट छोड़ जा रहे। सो अगेन आई वांट पाकिस्तान टू कम बैक। अकल नहीं काम करती आपकी, मुझ पर ये बताओ आपके दिमाग नहीं काम करते? आप क्या स्कूल के बच्चे हैं? तो आप क्या पागल हो, मिट्टी के माधु हो? आपको समझ नहीं आती आपके क्या अकलों पे मिट्टी पड़ गई है? आप आंखों से अंधे हो चुके हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि यार सिंपल विकेट है? सोचे कि पाकिस्तान बैटिंग क्या कर सकती है? क्या इतना फजूल बैटिंग करके पाकिस्तान क्या टूर्नामेंट जीत सकती है? ये सवाल मुझसे नहीं पूछना उन्होंने, ये अपने आप से पूछना है पाकिस्तान ने। आपकी मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, आपके पास स्पिनर पूरे नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर आपका तगड़ा नहीं है। पाकिस्तान पे इस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान लॉस्ट द गेम और ह्यूमिलेटिंग लॉस कहा जा सकता है। ओवरिंग साइन यार, मुझे समझ नहीं आती है ये लोग क्या कर रहे हैं यार। आपका दिमाग ठीक? पाकिस्तान हैज प्लेड कावर्डली टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, और इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए, यूनाइटेड नज़र नहीं आए। मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान वॉज इवन वॉज देयर। मैच आपने देख ही लिया होगा और आपका दिल तो नहीं चाहता होगा आप मैच देखते ही वाला। विकेट थ्रो करके आ जाएंगे और रन बॉल नहीं खेलेंगे, और एम्बैरसिंग लॉस, रियली रियली एम्बैरसिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। बट आई नाउ विश पाकिस्तान टीम टू थिंक अबाउट केयरफुली अबाउट द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के बारे में सोचें भाई, क्या करना है आपने, किसके साथ जाना है, उनके रोल डिफाइंड आपको करने पड़ेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये रोल्स हैं आपके और इस रोल्स में ऐसा खेला जाएगा। ये रोल्स कब तक डिफाइंड होंगे भाई? बट इट इज़ एम्बैरसिंग, इट्स रियली रियली एम्बैरसिंग। हार जाते हैं आप, लेकिन मैं पहले भी कह बैठा था प्रोग्राम में कि आप ऐसे हारो कि आप मेरिट पर खेल के हार करो। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है मैच के दौरान, प्लीज आप वो करो ना यार। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी मर्जी से खेले जा रहे, आउट हो जा रहे, विकेट छोड़ कर जा रहे। सो अगेन आई वांट पाकिस्तान।